एपिसोड शुरू कर रहे हैं मैथ्स की क्लास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिन बच्चों ने वीडियो सीरीज में हम लोग जो टास्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें पार्ट 1.1 टू 1.5 देखे हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.4 की धज्जियां खुद के दम पे उड़ानी है, ठीक है ना। ट्राई तो करो, नहीं सॉल्व कर पाए तब ये वीडियो देख, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते क्या है। ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। अब ये फ्रैक्शन वाला एग्जांपल है और हमने कहा था फ्रैक्शन कितने टाइप के, दो टाइप के एग्जांपल है आपके सिलेबस में। फर्स्ट वाला नंबर वाले फ्रैक्शन, सेकंड वाला वेरिएबल वाले फ्रैक्शन। अब नंबर वाले फ्रैक्शन एग्जांपल्स तो हो गए, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल है, तो ये है वेरिएबल वाले फ्रैक्शन का एग्जांपल, ठीक है। जब वेरिएबल वाले फ्रैक्शन होते हैं हमारी हेल्प करते हैं वेरिएबल, कैसे, बाय अजम्पशन। क्या अज्यूम करना है, एक्स को बनाना है एम और एन, मतलब दिए गए वेरिएबल्स को अज्यूम करके नए वेरिएबल्स लेने, तो एक्स और वाई की जगह पे वो ये गुड़िया जाएगी और दूसरी आएगी जिसके हाथ में है एम और एन, तो एक्स और वाई को हटाते हैं और लाते हैं एम और एन को। देखो कैसे, अज्यूम 1/x इज इक्वल टू एम और 1/y इज इक्वल टू एन। यही क्यों अज्यूम किया, जो दोनों इक्वेशन में फ्लैश होगा उसी को अज्यूम करते। अब आगे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, x+y, x-y, ऐसे रिपीट होने वाली चीजें होती है तो हमें उन्हीं को अज्यूम करना है। किया अजम्पशन, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर 2/x, तो मैं इसको लिखता हूं 2 × 1/x माइनस 3 × 1/y इज इक्वल टू 15, देयरफॉर इट इज 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। अब देखो कुछ बच्चे ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, आपने ये स्टेप नहीं लिखी तो भी चलेगा। मैं ये स्टेप क्यों लिखता हूं, देखो मैं इसको ब्रैकेट में भी डाल सकता हूं, आपको दिखने में थोड़ा आसान दिखेगा। ये देखो ये जो 2/x होता है ना, ये एक्चुअली 2 × 1/x होता है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 2 तो बन गया 2/x, 3 × 1 बन गया 3/y, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट करने में कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखता हूं, तो 1/x की जगह आए m, 1/y की जगह पे आए n, तो हमारा इक्वेशन बना 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, देयरफॉर व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, चलो आप मुझे बताओ क्या होगा। यस सही है ना, अब 1/x की जगह पे क्या आएगी m और 1/y की जगह पे n, तो देखो ये नए इक्वेशन बन गए जिनमें फ्रैक्शन नहीं है। अब हमें इन दो इक्वेशंस को भूल जाना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, अब हमें सॉल्व करना है ये दो इक्वेशन जिनमें फ्रैक्शन नहीं है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इन दो इक्वेशंस में कोई चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, देखो इन दोनों का झगड़ा हुआ ये जीतेगा क्योंकि इसके पास 8 लोग इसके पास 2, इन दोनों के झगड़े में भी ये जीतेगा, मतलब कोई भी एलिमिनेट होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे केस में हम डिसीजन लेते हैं कि किसको एलिमिनेट करना है, चलो एन को एलिमिनेट करते हैं। अगर मुझे n को एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा, देखो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5 और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तभी कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तभी कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। देखते हैं कैसे, मल्टीप्लाई विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय होम बाय दिस 5 बाय 5, इस इक्वेशन को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखते क्या होता है, क्या मल्टीप्लाई करते, तो रूल क्या है मेरा, ब्रैकेट में सारी चीजें लिखो, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू, ब्रैकेट में सारी चीजें लिखो, क्या होगा, 5 × 2 = 10m, 5 × 3 = 15m, 5 × 15 = 75, ये बन गया नया इक्वेशन। मैंने कहा था इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो, अब किसकी बारी है, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलराइट, मल्टीप्लाई इवेज इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो देखते क्या होता है, 3 पूरा इक्वेशन लिखो, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 3 इंटू पूरा इक्वेशन का इस साइड 77, 8 × 3 = 24m, 3 × 5 = 15n is equal to 77 × 3, कैसे करना है, देखो 77 × 3, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 22 = 23, तो क्या आया 231,
समझ में आ रहा है? अब जो दो इक्वेशंस मिले उनमें कोई चिल्ला रहा है क्या, मुझे एलिमिनेट करो, मुझे एलिमिनेट करो? यस ऑब्वियसली ये जो एन है वो चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, क्यों? क्योंकि जब भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं सेम तो उस वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे, इधर भी 15 इधर भी 15, अब कोएफिशिएंट सेम हो गए, वेरिएबल चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, आगे का सवाल कैसे, कैसे का आंसर? अगर साइन सेम है तो करो सबट्रैक्ट, साइन अलग अलग है तो करो ऐड। देखो इधर साइन क्या है प्लस, इधर क्या है माइनस, साइन अलग है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा ऐड, तो चलो ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 5? यस 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 24m यस प्लस 15n इज इक्वल टू 231। बड़ा आसान एडिशन है, 10 प्लस 24 क्या होते हैं 34, देखो इसकी उड़ गई धज्जिया, ये हो गया शहीद, 15 माइनस 15 जीरो, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 231 प्लस 75, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 3 10, सही है ना? यस 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 306, तो इधर आए 306 मिले हमें। अब क्या करना है, m इज इक्वल टू क्या होगा 306 डिवाइडेड बाय 34। अब 34 का टेबल किसी को आता है? अगर नहीं आता तो हमारी ट्रिक है कि 4 के टेबल से भी कर सकते हो आप। 4 का टेबल बताओ, 4 6 यस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यस, 4 3 जा 12, आता ना सबको? अब देखो 4 के टेबल में लास्ट का डिजिट दो बार आ रहा है 6, इसका भी लास्ट का डिजिट क्या है 6, ये कब होता है 4 4 जा और 4 9 जा। अब मेरी बात सुनो, मेरी ट्रिक ये है कि आपका आंसर एक तो आपको 4 4 जा पे मिलेगा या 4 9 जा पे मिलेगा, मतलब 34 इंटू 4 करो आपको ये मिलेगा, अगर तब नहीं मिला तो 49 इंटू 34 इंटू 9 करो, 101% ये आंसर मिलेगा, यही मेरी ट्रिक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस ट्रिक से हमने सॉल्व की है, ठीक है? तो इस एग्जाम्पल में देखो मैं 9 से ट्राई करता हूँ, 34 इंटू 9 क्या होता है, देखो 34 इंटू 9 मैंने 9 ही क्यों किया, क्योंकि 4 9 जा 36, ये लास्ट के डिजिट मैच हो रहे हैं। ये ट्रिक मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन की है, प्रैक्टिस इट, पार्ट 1.4 में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। चलो तो 9 4 जा 36 कैरी 3, यस 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 3 जा 27 27 28, 29, 30, देखो 306 आ गए, कब 34 9 जा 306, 34 9 जा 306, 34 9 जा 306, सबको समझ में आई ट्रिक? अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आती है तो आपको ऐसे करना है, देखो 306 डिवाइडेड बाय 34, 2 से डिवाइड करो, सबको 2 से आसान लगता है, 2 1 जा 2 1 लेफ्ट, 2 7 जा 14, 2 1 1, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 17 1 are 17, 17 9 are 153, ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको ट्रिक पसंद है वो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एनीवेज हमें m is equal to मिला 9, आई गॉट m is equal to how much, आई गॉट m is equal to 9। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करो, सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा है, इसमें पुट करता हूं क्योंकि इसमें एडिशन वाले साइन है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चलो इसमें करते हैं। तो आई विल राइट पुट m इज इक्वल टू 9 एन इक्वेशन, व्हिच इक्वेशन 4, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, अब 8m की जगह आएंगे 9 प्लस 5n इज इक्वल टू 8 9 जा यस 72, अब बताओ मुझे क्या होगा 5n क्या होगा 77 माइनस 72, तो कितने होते 77 माइनस 72 यस, तो 5n इज इक्वल टू आई गेट 77 माइनस 72 5, तो n इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, ओहो n मिले 1। अब देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है m और n की वैल्यू मिल गई आंसर हो गया, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इधर ही एग्जाम्पल को छोड़ के आते हैं, बिल्कुल नहीं, आगे सॉल्व करना है, ये आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, कभी कभी 4, 3, 4, 5 मार्क्स आपके आने ही है ऐसे एग्जाम्पल से। आगे देखो क्या करना है,
कंसिडर, क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि हमने अज्यूम भी किया था ना, कंसिडर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम। अब अगर मैं इनवर्स लेता हूं, इनवर्स का मतलब क्या है, 2/4 का इनवर्स क्या होता है, 4/2, 7/3 का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स, यस अगर मैं इनवर्स लू तो ये नंबर बनते हैं 3/7। इनवर्स का मतलब ये होता है न्यूमरेटर को करो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को करो न्यूमरेटर। अब देखो इसका मैं अगर इनवर्स लू तो क्या होगा, 1/x का बन जाएगा x और 1/m का बन जाएगा 1/m। तो x की वैल्यू क्या मिली, m की वैल्यू क्या है, व्हाट इज m, m इज 9, x मिले फिर m की जगह पे आएगा 9। समझ में आया सबको, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो 1/x इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया था, m, लेकिन हमें तो चाहिए x, x कब मिलेगा जब मैं लूंगा इसका इनवर्स। तो अगर इनवर्स लेता हूं तो x चले जाएंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू m का इनवर्स क्या होगा, 1/m। बात को समझ गए, देखो अब m की वैल्यू क्या है, 9, तो लिखा मैंने 9। चलो नेक्स्ट करते हैं, ऑल्सो अब ये क्या है, 1/y इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया था n, इसका भी इनवर्स लो तो y बन जाएगा y और ये बन जाएगा 1/n, इनवर्स लिया ना। अब n की वैल्यू क्या है, देयरफॉर चलो मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं, 1/n, व्हाट इज n, 1, 1/1 क्या होते हैं रे, 1 ही तो होते हैं, तो y क्या मिला हमें, 1। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सॉरी x कॉमा y इज इक्वल टू 1/9 कॉमा 1। बड़ा ही आसान एग्जांपल है, बस आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं, वेरिएबल्स को अज्यूम करो और एज यूजुअल एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। नया पार्ट सिर्फ इतना है, आपके फाइनल आंसर में आपको m से फिर से x पे जाना है, क्योंकि हमने उसको अज्यूम किया था। इस टाइप के एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछते ही है, देखो ये वाले एग्जांपल्स, ठीक है, तो इनको आपको प्रैक्टिस करना ही है, बड़े आसान एग्जांपल्स है। चलो और एक सॉल्व कर, देखो अब ये भी वेरिएबल वाला फ्रैक्शन है, अब अजम्पशन करना पड़ेगा, x और y को बनाना पड़ेगा m एंड n। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में x एंड y है, x माइनस y है, तो उसी को अज्यूम कर दे, लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस y इज इक्वल टू n। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 10 इंटू 1/x प्लस y, ये लिखो क्यों, क्योंकि आपके सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे आप। अब देखो 1/x प्लस y की जगह पे क्या आएगा, m, 1/x माइनस y की जगह पे आएगा n इज इक्वल टू 4। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या होगा, 15 इंटू 1/x प्लस y माइनस 5 इंटू 1/x माइनस y इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो इसको 1/x प्लस y को हमें क्या लिखना है, m, तो बनेगा 15m माइनस 5n इज इक्वल टू, यस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 2। अब देखो फ्रैक्शंस हट गए, ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशंस अब लीनियर इक्वेशंस बन गए। कौन से दो इक्वेशंस, नाउ लुक एट दीस टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, कोई चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, कोई नहीं चिल्ला रहा क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें डिसीजन लेना है कि किसको एलिमिनेट करें। यस मैं सोचता हूं कि चलो n को एलिमिनेट करें, क्यों, क्योंकि आसान है 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना। अगर मुझे m को एलिमिनेट करना है तो 10 और 15 से एलिमिनेट करना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, आंसर तो करेक्ट आएगा, आप m को भी एलिमिनेट कर सकते हो बट कैलकुलेशंस थोड़े लेंथी हो जाएंगे। तो स्मार्ट डिसीजन ये होगा कि n को एलिमिनेट करे, तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5 और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। तो लेट्स डू दैट, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय हाउ मच, 5। तो क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 5 इंटू 4, क्या होगा, 5 10 जा 15m प्लस 10n इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये बन गया थर्ड इक्वेशन, मैंने कहा था इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ किससे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय, यस बाय, देखो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से 2, इसको करना है इस नंबर से, इसको करना है इस नंबर से, एन के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को। चलो तो क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड 15m माइनस 5n इज इक्वल टू, यस 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू माइनस 4। ये बन गया मेरा फोर्थ इक्वेशन, अब कोई चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, देखो इन दो इक्वेशंस को
कोएफिशिएंट सेम है एन के, एन चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, कैसे? साइन देखो, दोनों के साइन सेम है तो करो सब्ट्रैक्शन, अलग है तो करो एडिशन। देखो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, मतलब क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तो लेट्स राइट एड, यस एड विच इक्वेशन, एड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3? क्या है इक्वेशन नंबर 3? 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट इक्वेशन 30m माइनस 10n इज इक्वल टू माइनस 4। यस इट इज माइनस 4। तो आंसर क्या आएगा? देखो 50 प्लस 30 क्या होते हैं? 80। ऐड करना है 10 10 हो गए शहीद। आगे 20 माइनस 4 16। एम क्या बनेगा बच्चों? 16 डिवाइडेड बाय 80। 16 का टेबल तो सबको आता होगा, 16 वन 16, 16 फाइव 80। तो मेरा एम क्या बना? 1/5। इसको रखेंगे बॉक्स में, एम की वैल्यू मिली 1/5। अब क्या पता करना है? एन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके किसी छोटे इक्वेशन में। छोटा सा इक्वेशन कौन सा है? चलो इसमें करें, चलो 4 वाले इक्वेशन में करते हैं। तो पुट m is equal to 1/5 in equation number 1. तो what is equation number 1? 10m plus 2n is equal to 4. अब m की जगह आएंगे 1/5 plus 2n is equal to 4. 5 2s are 10. इधर कितने बचे? 2 plus 2n is equal to 4. तो 2n is equal to क्या होगा? 4 minus 2. 2n is equal to I get 2. तो n क्या होगा? 2 divided by 2. I got m is equal to 1. आधा काम हमारा हो गया। ये एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए पूछते हैं, थोड़े पेशेंस रखो, आराम से सॉल्व करो, आंसर्स बड़ी आसानी से आते। देखो m भी मिल गया, n भी मिल गया। चलो करते हैं कंसीडर। क्यों कंसीडर करना है? क्योंकि वेरिएबल्स हमने लाए थे, कौन से वेरिएबल्स? m और n। उनको वापस भी तो देना पड़ेगा। क्या अज्यूम किया था? 1/x + y इज इक्वल टू m, बट m की वैल्यू क्या मिली है बच्चों? m मिला है 1/5। अब देखो आपको याद आ रहा है मैं बोलता था इनवर्स लो, इनवर्स का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर होगा वो चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नंबर आएगा नीचे, मतलब ये x plus y चले जाएंगे ऊपर डिवाइडेड बाय 1, ये 5 भी चला जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 1। अब डिवीजन वाले m नहीं लिखे तो भी चलता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना? x plus y is equal to 5। समझ में आ रहा है सबको? ये बन गया एक नया इक्वेशन, क्या नंबर दे इसको? 5। अब देखो सिमिलरली 1/x - y क्या मिले हमें? n, सही, ये हमने कंसीडर किया था 1/x + y इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है। अब इसका भी इनवर्स लो, x - y इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 ओनली, सही ना? 1/1 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो पिछले एग्जांपल में सिर्फ इनवर्स लिए तो आंसर बन गए थे, अब देखो यहाँ पे इनवर्स लेने के बाद और एक इक्वेशन बन गए, x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 1। अब हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो वेरिएबल चाहिए x और y, मतलब इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा, x और x plus y और x minus y को। देखो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो y एलिमिनेट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है उनके। यस, तो ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो क्या होगा? x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1। When I add them, I'll get 2x, yes, y शहीद, 6, तो x is equal to मिलेंगे, 6 by 2 is equal to 3, अरे वाह, x मिल गए 3। अब बताओ, आपको नोटबुक में नीचे लिखना है, मुझे स्पेस नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है, तो put, अरे हाँ, इधर लिख सकता हूँ, चलो, put, x is equal to 3, in which equation? Yes, कोई भी आसान वाला इक्वेशन, चलो उसमें जो पुट करेगा वो गधा होगा। हमेशा x और y की वैल्यू किसी सिंपल इक्वेशन में पुट करो, एंड उसमें पुट करोगे आंसर 101% आएगा, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन में पुट करो। एंड इक्वेशन नंबर यस कौन सा? चलो इसमें पुट कर दे 5, दिस इज 5, ओके। तो x plus y is equal to 5, इट मींस 3 plus y is equal to 5, तो y क्या बनेंगे? 5 minus 3, तो y बनेंगे 5 minus 3, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू व्हाट इज x? 3। y क्यों नहीं लिखे मैंने? आप थोड़ा ट्राई करो, और इधर मुझे सोल्यूशन क्या आएगा, 5 कॉमा क्या आएगा, कमेंट में लिखो, ठीक है? देखते आप सही लिखते हैं कि नहीं। तो ये बन गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट एग्जांपल भी इतना ही इंटरेस्टिंग है, याद रखो ये एग्जांपल्स थोड़े लेंदी है बट बहुत सिंपल है। आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे खुद परेशान दुनिया को परेशान, उनकी मत सुनो, ये एग्जांपल्स बहुत ही आसान है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, उल्टा ये एग्जाम में आपको 4-5 मार्क्स दे सकते हैं, तो इन्हें जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलो अब हमें सॉल्व करना है और एक टेढ़ा एग्जांपल, करेंगे इसको सीधा। अरे बहुत मार्क्स देता है एग्जांपल, 4 मार्क्स ऐसे मिलते हैं, कैसे करेंगे इसको सीधा। अब देखो दोनों जगह पे मुझे एक्स माइनस टू एक्स माइनस दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन्हीं को अज्यूम करता हूँ। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एम, एंड अब बताओ दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एन। अब तक आप सीख गए कि इक्वेशंस कैसे बनाना, आप डायरेक्टली बताओ क्या होगा, 27, अब 1 अपॉन एक्स माइनस टू की जगह आएगा एम, वेरी गुड, इसकी जगह पे क्या आएगा 31 एन। याद आ रहा है मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ओवर द टाइम आप भी प्रैक्टिस से सीख जाओगे, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में एक स्टेप और लिखता था मैं। अब क्या होगा इसका, 31 एम प्लस 27 एन इज इक्वल टू 89। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? यस, ये क्रिस क्रॉस वाला एग्जांपल है। क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, यस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो सिंपल इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो सिंपल इक्वेशन मिलेगा, उन दो सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करो, यही मेथड है ना हमारी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, देखते सिंपल इक्वेशन मिलता है क्या। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेट्स राइट देम, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, दूसरा 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, व्हाट वुड बी एडिशन, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 3 5, इधर भी सेम आएगा, यस 58m, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 8 प्लस 8 16, 1 17। अब देखो मेला लगा है 58 का, डिवाइड करते हैं, तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय, क्यों हमें सिंपल इक्वेशन चाहिए ना, करते हैं सिंपल इक्वेशन, 58m डिवाइडेड बाय 58 प्लस 58n डिवाइडेड बाय 58 इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 58, डिवीजन आता है, देखो 58 कैंसिल, बचा सिर्फ m। किसी को आता है 58 का टेबल, नहीं आता है तो ट्रिक क्या, 8 का टेबल बताओ, 8 3 24, सही है ना, 8 16। अब देखो लास्ट डिजिट मैच हो रहा है कब, 3 पे, तो मैं 58 इंटू 3 करूंगा, देखो वही आना चाहिए 174, ट्राई करना आपको, 8 3 24 2 5 3 15 16 17, देखो मैच हो रहा है, ये ट्रिक बहुत काम करती है, जिनको नहीं समझ में आता वो रेगुलर मेथड से डिवाइड करो, 174, ये बन गया दोनों के एडिशन से एक सिंपल इक्वेशन, और एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, तो ऑलराइट लेट्स डू इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, माइनस क्या करना है, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू हाउ मच, 89, सब्ट्रैक्शन सबको आता है, देखो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब सबके साइन चेंज करने, जो प्लस है वो बनेगा माइनस, जो माइनस है वो बनेगा प्लस, और फिर यही साइन यूज करने, 27 माइनस 31 क्या होता है, 4, यस ऑलराइट, माइनस 4, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, 31 माइनस 27 4, इधर भी आएंगे माइनस 4, मेला लगा है 4 का, 4 से ही डिवाइड करते, तो डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या लिखा मैंने, डिवाइड बाय 4, तो क्या होगा माइनस 4m, ये चलो माइनस 4 से डिवाइड करें, क्यों मैं कह रहा हूं माइनस 4 से डिवाइड करें, क्योंकि m के साथ माइनस 4 है तो आसान हो जाता है, देखते कैसे। अब देखो माइनस 4 ने माइनस 4 को कैंसिल किया, बचा क्या, सिर्फ m, अब देखो 4 ने 4 को कैंसिल किया, माइनस साइन वैसे ही है, तो लिखूंगा 4 माइनस m, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, ये देखो बन गया इक्वेशन नंबर 4, देखो इक्वेशन नंबर 3 बना दोनों के एडिशन से, इक्वेशन नंबर 4 बना इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के। अब देखो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, 3 एंड 4 बड़े ही आसान इक्वेशन से, दोनों को ऐड करो, एन एन कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा एम, तो ऐड
यस ये रहा ये इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या है, m माइनस n इज इक्वल टू n, दैट इज 2m इज इक्वल टू n हो गए शहीद. तो m मिले 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो इट मींस आई गॉट m इज इक्वल टू 2. अब अगर n फाइंड आउट करने तो किसी सिंपल इक्वेशन में पुट करो. चलो इसमें पुट करते हैं, तो पुट, चलो इधर लिखते हैं, पुट m इज इक्वल टू 2 n इक्वेशन. चलो कौन से इक्वेशन में, इतने बड़े इक्वेशन में कौन पुट करेगा यार, सिंपल इक्वेशन देखो हमेशा 3. तो m प्लस n इज इक्वल टू 3, इट मींस 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ओहो n मिल गए 1, n क्या मिले 1. अब देखो इन एग्जांपल्स में m और n मिलने के बाद रुकना नहीं है, क्यों, m और n हमने अज्यूम किए थे एग्जांपल में, तो x और y थे तो उन्हें लिखना पड़ेगा, इसलिए ये लास्ट की स्टेप बहुत जरूरी है. तो आई कंसीडर अपने अजम्पशंस क्या है, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m, इट मींस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, व्हाट इज m, 2. अब क्या करना होता है बच्चों, इनवर्स लेना होता है, जो न्यूमरेटर है वो बनेगा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा न्यूमरेटर. ये अगर ऊपर चला जाए तो क्या होगा, x माइनस 2, ये ऊपर ही है, इसको आना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा नीचे, तो ये बन गया 1/2. तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x होगा 1/2 + 2, 1/2 + 2 क्या होते हैं, आता है एडिशन, डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करना पड़ेगा 2, सही है ना, ये सपोज 1/2/1 है, तो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. अब दोनों का बेस सेम हो गया तो ऐड कर सकते हैं, 1 + 4, ये बन गया 2 × 2 = 4, ये भी 2, तो x मिल गया मुझे 5/2. सिमिलरली y के कैलकुलेशन क्या होगी, 1/y + 3 = 1, इसका इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है, तो y क्या बनेगा, 1 - 3, y मिल गया -2. फाइनल आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन इज x, y = 5/2, -2. ये हो गया इसका फाइनल आंसर. एग्जाम्पल्स बड़े आसान, बट थोड़े पेशेंस के साथ सॉल्व करो, 4 मार्क आपको दिलाते हैं ये एग्जाम. लास्ट एग्जाम्पल बचा है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं. ये भी फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन वाले एग्जाम्पल्स आपके पेशेंस चेक करेंगे, ठीक है, आप में पेशेंस है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. मेथड तो बड़ा ही सिंपल है, मेथड बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब कर रहा है, बट पेशेंस के साथ, एक बार आपने पेशेंस छोड़ दिए मार्क्स भी छोड़ दो. अब देखो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 3x + y, 3 - y, उसी को अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, ये 2 ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो वो अजम्पशन में नहीं आएगा. देखो लेट 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n, सो दैट दिस इक्वेशन विल बिकम नाउ क्या, 1/3x + y क्या है, m, 1/3x - y क्या है, n इज इक्वल टू 3/4. ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, ये 1, 2, 3. अब क्या है नेक्स्ट, ये क्या बनेगा बच्चों, 1/2 एज इट इज, और ये 1/3x y बनेंगे m, प्लस नहीं इधर माइनस है, माइनस ये भी 1/2 ऐसे ही, और 1/3x y है n इज इक्वल टू -1/8. अब देखो आपके सामने 2 इक्वेशन है, अब इन्हें सॉल्व कैसे करना, मेथड आपको चॉइस करना है. कोई बच्चे इसको एलिमिनेशन से करेंगे, मतलब क्या, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन हट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी फ्रैक्शन हट जाएगा, और फिर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे. दूसरा तरीका होता है क्रैमर्स रूल से, क्रैमर से भी ये सॉल्व हो सकता है. मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके दिखाता हूं, और जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं फिर से इसी को एलिमिनेशन से भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, हम देखेंगे आंसर सेम आता है क्या, लेकिन एग्जाम में आपको किसी एक ही मेथड से सॉल्व करना है. चलो क्रैमर्स से करना है तो डी मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, इन्हीं नंबर्स को कॉपी करना है, सही है ना, 1 - 1/2, याद है क्रैमर्स सबको, वेरिएबल इधर, कांस्टेंट को धक्का मार के उधर भेज दो. एक बार ऐसे हुआ इक्वेशंस लिखे तो यही कोएफिशिएंट कॉपी करके लिखो, 1, 1/2, 1 - 1/2. अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × -1/2 - 1 × 1/2, क्या होता है -1 × 1 - 1/2, ये क्या होगा -1/2. अब देखो दोनों का बेस सेम है तो वो बेस शेयर करेंगे, ऊपर आएगा -1 - 1, कितना होगा -2/2, मतलब d की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 कैंसिल, d मिला
माइनस वन। अब क्या फाइंड करना होता है हमें, हमें फाइंड आउट करना होता है डिलीट एम। पहले वेरिएबल को डिलीट करो, या फर्स्ट वेरिएबल क्या है एम, उसको डिलीट करो। एम से क्या मिला, ये मिला, तो उसको डिलीट करो, डिलीट एम। तो मैट्रिक्स में बचेगा कौन, ये वन और माइनस वन बाय टू। अब इनके वजह से जो जगह खाली पड़ी है वहां पे कौन आएगा गेस्ट, ये कॉन्स्टेंट आ जाते उधर, तो क्या होगा वो थ्री बाय फोर एंड माइनस वन अपॉन एट। अब करें क्रॉस प्रोडक्ट, चलो करते हैं, सही है। अब बताओ प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वाला ऊपर वाला ऊपर को, नीचे वाला नीचे को, न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो थ्री इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस थ्री, फोर इंटू टू एट, माइनस माइनस वन यस डिवाइडेड बाय एट। देखो ब्रैकेट का क्या फायदा है, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, और प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, यहां एट है। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो वो शेयर करते हैं, माइनस थ्री प्लस वन क्या होता है, माइनस थ्री प्लस वन यस माइनस टू, तो माइनस टू डिवाइडेड बाय एट, टू वन जा टू, टू फोर जा एट। तो हमें डिलीट एम क्या मिला बच्चों, देयरफॉर आई विल राइट डिलीट एम एज माइनस वन बाय फोर। डिलीट एन क्या होगा बताओ, यस डिलीट एन में क्या करना है, मैट्रिक्स डी से एन को एलिमिनेट करो, एन को डिलीट करो, जो बचा है उसको लिखो, क्या बचा है वन, वन बाय टू। अब देखो जिसको डिलीट किया उसकी जगह पे ये दोनों गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं लिखूंगा थ्री बाय फोर माइनस वन बाय एट। करो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, ब्रैकेट्स को भूलना नहीं है, ब्रैकेट्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जी भर के यूज कर लो, माइनस वन बाय एट, नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक्स होंगे। अब देखो क्या करना है, माइनस वन डिवाइडेड बाय एट, माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एट, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका भी बेस सेम है तो क्या होगा, माइनस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एट, इट मीन्स इट इज माइनस ओनली, इट इज माइनस फोर डिवाइडेड बाय एट, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, मतलब डिलीट एन क्या मिले, माइनस वन बाय टू। अब देखो यूजिंग क्रैमर्स रूल, अगर आपको एक वेरिएबल चाहिए यूजिंग क्रैमर्स रूल, यस एम क्या होगा, डीएम डिवाइडेड बाय डी। अब देखो व्हाट इज डीएम, डीएम किधर गया, ये रहा, माइनस वन अपॉन फोर डिवाइडेड बाय व्हाट इज डी, माइनस वन। अब इसको कैसे लिखते हैं, माइनस वन अपॉन फोर इंटू माइनस वन, ठीक है, ये इनवर्स हो जाएगा, वन इनवर्स हो जाएगा तो भी माइनस वन ही रहता है, तो देखो माइनस माइनस साइन इसको कैंसिल करेगा, चलो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, चलो माइनस माइनस साइन कैंसिल हुआ, बचा क्या वन बाय फोर, तो ये मिल गया हमें एम। व्हाट अबाउट एन, एन क्या होगा, डी एन डिवाइडेड बाय डी, व्हाट इज डी एन, यस माइनस वन बाय टू, व्हाट इज डी, माइनस वन, ये देखो माइनस साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, अब बचा क्या वन अपॉन टू। देखो एम और एन मिल गए, लेकिन हमारा मकसद एम और एन फाइंड आउट करना नहीं है, हमें तो एक्स एंड वाई चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या अज्यूम किया था एम के लिए और एन के लिए, उसी को यूज करेंगे, तो उनसे कंसिडर। आपको समझ में आ रहा है, पेशेंस रखो, बड़ा लेंदी एग्जाम्पल होता है ये, जिसके पास पेशेंस है वही सॉल्व कर पाएगा, मेथड तो बड़ा आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सामने क्या है एम, सो व्हाट इज एम, तो आई विल राइट 3x plus y is equal to m की वैल्यू क्या है 1 by 4। अब देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनवर्स लेते हैं, जो न्यूमरेटर है वो बनेंगे डिनोमिनेटर, तो मैं कहूंगा 3x plus y is equal to 4। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म को कंसिडर करूं also, अब n के लिए क्या हमने अज्यूम किया था 1 अपॉन 3x minus y is equal to 1 n, बट व्हाट इज n, व्हाट इज n, n इज 1 बाय टू, तो इसका भी इनवर्स लेंगे तो क्या होगा 3x माइनस वाई, देखो इसका इनवर्स लिया तो बनेगा 2। देयरफॉर वी गॉट कंसिडर और ऑलरेडी वी हैव क्या, दो इक्वेशंस बने, देखो यहां पे ये एक इक्वेशन बना और यहां पे ये बना दूसरा इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलो नंबर देते इनको, लेट अस से दिस इज 5th x एंड दिस इज 6th इक्वेशन, ओके, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हमें x और y मिल जाएंगे। क्या करेंगे, देखो अगर y को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, तो राइट ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, तो क्या होगा 3x plus y equal to 4, 3x minus y equal to 2, add them, 3 plus 3, 6, y y हो गए शहीद। देखो
x क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 6 मिला मुझे x इज इक्वल टू 1 वेरी नाइस y फाइंड आउट करते देखो पुट x इक्वल टू 1 इन विच इक्वेशन देखो गधे होंगे जो इतने बड़े इक्वेशन में पुट करेंगे अरे बड़ा छोटा सा कोई इक्वेशन देख लो चलो यही दो में से कोई इसमें पुट करे प्लस साइन है नेगेटिव में क्यों जाए चलो ये वाला इक्वेशन नंबर 5 किसी भी छोटे से इक्वेशन में पुट करना ये इक्वेशन है जिसमें x और y हो तो ऑल राइट 3x प्लस y इक्वल टू 4 बट x इज नाउ 1 तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 4 इट मींस y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इट मींस y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 3 ओह 4 माइनस 3 व्हाट इज 4 माइनस 3 1 तो मेरा सॉल्यूशन फाइनल आंसर क्या होगा सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू यस व्हाट इज x 1 व्हाट इज y 1 ये बन गया हमारा फाइनल आंसर मैंने कहा था इन दो इक्वेशंस को आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर तो 1 एंड 1 ही आएगा किसी ने क्रैमर मेथड से सॉल्व किया उसका आंसर आया 1 एंड 1 एग्जाम में आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमें क्रैमर से नहीं सॉल्व करना है भैया दूसरी मेथड बताओ दूसरे मेथड से सॉल्व करें चलो दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों अभी इसी एग्जांपल को हमने इससे के बाद मतलब ये दो इक्वेशंस बनने के बाद क्रैमर रूल से सॉल्व किया मैंने कहा था आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो एग्जाम में आपको आइदर क्रैमर रूल से करना या एलिमिनेशन मेथड से जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको पता रहे आपकी थोड़ी हेल्प रहे किसी को क्रैमर का रूल पसंद है किसी को एलिमिनेशन का इसलिए मैं इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कराओ एग्जाम में आपको आइदर क्रैमर रूल या एलिमिनेशन मेथड दोनों में से कोई एक ही मेथड अपनाओ जो आपको आसान लगे देखो अभी यहां तक तो मैं पहुंच गया अब मैं क्या करूं अगर मुझे फ्रैक्शन हटाना है तो देखो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 4 हट जाए तो ऑल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 तो क्या होगा 4 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 4 इंटू 3 बाय 4 तो क्या बनेगा 4 इंटू एम 4 एम 4 इंटू एन 4 एन इज इक्वल टू 4 4 कैंसल ये बना फिफ्थ इक्वेशन देखो इस इक्वेशन से मुझे 4 हटाना था इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया यहां से 8 2 2 हटाने तो कौन सा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए यस ऐसा नंबर जो इन सब के टेबल में हो देखो 2 के टेबल में 8 आते हैं बिल्कुल आते हैं 8 के टेबल में 8 आते हैं बिल्कुल आते हैं मतलब मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऑल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 8 तो क्या होगा देखो 8 इंटू 1 बाय 2 एम माइनस 1 बाय 2 एन इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 1 बाय 8 देखो ये 1 बाय 2 जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 4 जा 8 तो बनेंगे 4 एम ये 1 बाय 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 एन ये तो कैंसिल हो जाएंगे देखो हमारे पास दो इक्वेशंस रेडी है m और n के इनमें कोई चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो यस बिल्कुल m को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और n को भी अगर हम इक्वेशंस को ऐड करें तो n कैंसिल हो जाएगा सही है ना और फिर हमें m मिलेगा देखो कैसे ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 क्या होगा बच्चों 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 4m माइनस 4n इज इक्वल टू यस माइनस 1 तो क्या बचेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8m इज इक्वल टू 3 माइनस 1 व्हाट इज 3 माइनस 1 2 m क्या मिला बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 8 m की वैल्यू इज 1 अपॉन 4 अब क्या करना है पुट m इज इक्वल टू 1 बाय 4 इन इक्वेशन से 5 तो क्या इक्वेशन 5 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 अब m की जगह पे क्या आएगा 1 अपॉन 4 4 4 कैंसिल्ड 4 कैंसिल हो गए बचा सिर्फ n देखो 1 प्लस 3n इज इक्वल टू 3 तो 3n क्या होगा 3 माइनस 1 यस 4 तो 4 कैंसिल हो गए यस आगे बचा 3 ये 1 उधर जाएंगे तो सबट्रैक्ट होंगे 3 माइनस 1 क्या होते हैं यहां पे 4n है 3 माइनस 1 क्या होते हैं 2 तो क्या होगा 4n इज इक्वल टू 2 n क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज n इज इक्वल टू 1 बाय 2 देखो हमें m भी मिल गया और n भी मिल गया बट हमें m और n नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए x एंड y तो जाते हैं हमारे अजम्पशन की तरफ तो मैं लिखूंगा
कंसिडर, क्या कंसिडर किया था मैंने, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू एम, मतलब 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इनवर्स लो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बनाओ, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बनाओ, उल्टा कर दो तो क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अल्सो ये तो हो गया m की स्टोरी, n की सेम स्टोरी है तो n की भी स्टोरी लिखते हैं, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू n, इट मीन्स 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका भी इनवर्स लिया तो क्या होगा, उल्टा करो, न्यूमरेटर को बनाओ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बनाओ न्यूमरेटर। देखो ये एक इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना, आगे का काम क्या है हमारा, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना। देखो इधर वही किया है, यही ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। आगे की स्टोरी तो सेम रहेगी, इन दो इक्वेशन को एड करो, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू मिलेगी। देखो डिफरेंस सिर्फ इतना था, कोई बच्चा इतना पार्ट, ये पार्ट है वो क्रैमर्स रूल से करेगा, कोई बच्चा ये पार्ट एलिमिनेशन मेथड से करेगा, बट अल्टीमेटली आंसर तो वही आना है, जो आपको आसान लगे इस पार्ट को उस मेथड से सॉल्व करो, बट आपका आंसर तो वही आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमने खत्म किया प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.5 जो वर्ड प्रॉब्लम से भरा हुआ है उसको भी बिल्कुल आसान करके हम सीखे। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.